यूक्रेनी सेना ने युद्ध के 300 दिन पार होते ही बड़ा जवाबी हमला किया है। यूक्रेन ने 24 घंटे में ही रूसी कब्जे से 20 शहरों को छुड़ा लिया। अब दक्षिणी दोनबास इलाके में ही रूस का कब्जा रह गया है। यूक्रेन सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा खार्किव से रूसी फौज वापस जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में दूसरा दिन है। नूह के मलाव से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है। यहां से राहुल फिरोजपुर नामक होते हुए 14 किलोमीटर पैदल चलकर शाम को 4 बजे मेवात क्षेत्र के गांधी ग्राम घसेड़ पहुंचेंगे। असम पुलिस ने सोनितपुर जिले के ढकियालूजी इलाके में एक पुल के नीचे 6 हाथ से बने बम बरामद किए हैं। ढकियालूजी इलाके में SIS मंटा ने बताया कि हमें सेना की खुफिया जानकारी मिली थी कि सीजियालोजी इलाके में एक पुल के नीचे कुछ विस्फोटक छुपाकर रखा गया है। उस इनपुट के आधार पर हमने तलाशी अभियान चलाया और 6 हैंडमेड बम बरामद किए। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 150 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 145 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 190 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 65,96,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तालिबान में हायर एजुकेशन मिनिस्टर नैदा मोहम्मद नदीन ने सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि अगला नोटिस जारी किए जाने तक यह नियम लागू रहेगा। पहले दिन के पहले सेशन का खेल जारी और बांग्लादेश ने शुरुआती 2 विकेट गंवा दिए हैं। कप्तान साकिब अल हसन और मोमिन क्रीज पर हैं। जाकिर हसन के बाद नजमुल हसन सांतो आउट हुए। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट और रविंद्र अश्विन को एक एक सफलताएं मिली हैं। देश में 23 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित महाराष्ट्र में भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 212वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के 4थे दिन बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक्स एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेक्सेंस 190 अंकों की तेजी के साथ 61,257 के स्तर पर खुला।